आप हमारी मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और पूरे हिंदुस्तान में हमने किसानों की जमीन की रक्षा की। पार्लियामेंट हाउस में हम नया बिल लाए, जमीनी अधिकरण बिल। कुछ ही दिन पहले सड़क पे मुझे एक किसान ने रोक के कहा, राहुल जी मेरी जमीन अक्वायर हो गई मगर मैं यहां आपको धन्यवाद करने आया हूं। पहले मैं रोता मगर आज मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बिल के कारण मुझे अपनी जमीन का सही दाम मिला है। मेरे खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कौन खड़ा था? बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी। चुनाव जीते तो पहला काम जमीन अधिकरण बिल को रद्द करने का काम उन्होंने शुरू किया। तीन बार बिना वोट के ऑर्डिनेंस के माध्यम उन्होंने बिल को रद्द करने की कोशिश की और जब उनको पता लगा कि लोकसभा में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, एक इंच पीछे नहीं हटेगी, फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता। गुजरात में बड़े से बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ तोहफा दिया जाता है कि ये लो भैया 1000 एकड़ तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए 1000 एकड़। नाम नहीं बोलूंगा, जानते हो तुम लोग नाम कौन से हैं। और अगर किसान आवाज उठाए, अगर किसान सिर्फ अपना हक मांगे, अगर किसान गुजरात की सरकार से अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगे तो पुलिस जाकर उनके घरों में उनकी महिलाओं की पिटाई करती है। आज के गुजरात में दस पंद्रह लोग राज करते हैं। जैसे पहले पोलसन कंपनी का राज हुआ करता था, आज गुजरात में 10-15 लोगों का राज है और आप सब उनके नाम जानते हो। कुछ दिन पहले पाटीदार समाज के लोग मेरे पास आए, और मैं हैरान हो गया। मुझे कहते हैं कि राहुल जी हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है गुजरात में। और मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई, मैं हैरान हो गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर तुम्हारे बच्चों की शिक्षा नहीं होती है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता है?
जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पूरा समर्थन दिया, अगर वो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो फायदा किसको हो रहा है? मैंने सवाल पूछा उनसे, मैं उनका जवाब बताता हूं आपको। राहुल जी, पूरे शिक्षा के सिस्टम को 10-15 लोगों ने 10-15 लोगों ने लपेट रखा है। सबके सब कॉलेज, सबके सब यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा कैपिटेशन का पैसा गुजरात में 10-15 लोगों के जेब में जाता है और वो सब बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। इस गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात में किसी भी समाज का फायदा नहीं हुआ है। इस वाइब्रेंट गुजरात में सिर्फ 15 लोगों का फायदा हुआ है। पूरा का पूरा पैसा मार्केटिंग का वो देते हैं, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। हर साल नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, शाइनिंग गुजरात की बात करते हैं, मगर गुजरात में कुछ नहीं होता। आदिवासी इलाका है, जल, जंगल और जमीन ये आपकी है, ये किसी उद्योगपतियों की नहीं है, ये 10-15 लोगों की नहीं है, ये आपकी है। जैसे आनंद में दूध, गाय और जमीन पोलसन डेयरी की नहीं थी, गुजरात के किसानों की थी, वैसे ही यहां की जमीन, यहां का जल आपका है। मैंने किसानों की जमीन की बात की, मगर हम पैसा कानून भी लाए थे, आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने का कानून। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां हमने पैसा कानून लागू किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने पैसा कानून लागू नहीं किया और आपकी जो जमीन है, जो आपको वापस मिलनी चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं दी। जंगल, जमीन और जल का जो हक बनता है आपका, वो आपको नहीं दिया। बघेला जी ने बहुत अच्छी बात बोली, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी जी आदिवासी को इंसान नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज जंगल से निकले और शहरों में जाकर अमीर लोगों के घर में काम करे। और मैं इस स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। और कांग्रेस पार्टी जब यहां चुनाव जीतेगी, मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपके जमीन का हक, जल का हक और जंगल का हक आपको देगी। और जो भी फायदा जमीन से, जंगल से, जल से मिलेगा, वो
आपको पहले मिलेगा। आपकी मदद करने के लिए हम नरेगा कानून लाए। गारंटी करके हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिया। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। एक दिन मैं लोकसभा में बैठा था और नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया और कहते हैं, मैं इस नरेगा के कानून को खत्म नहीं करना चाहता हूं, ये बेकार कानून है, इससे किसी को फायदा नहीं होता, मगर मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं बेकार कानून बनाए थे, इसलिए मैं इसको रद्द नहीं करना चाहता हूं। यह शब्द नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहे, मजाक उड़ाते हुए कहा कांग्रेस पार्टी ने गरीब किसानों से गड्ढे खुदवाए। नरेंद्र मोदी जी, जो लोग नरेगा में काम करते हैं, जो मजदूर नरेगा में काम करते हैं, उनका आप मजाक मत उड़ाइए। वो गड्ढे नहीं खोदते हैं, वो देश को बनाने का काम करते हैं। आप उनकी इज्जत रखिए। वो जरूर गरीब हैं, जरूर कमजोर हैं, उनके पास आपके मित्रों जितना पैसा नहीं है, बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं है, मगर दिल के साफ हैं, हिंदुस्तान के लिए खून पड़ते हैं। रोजगार की बात करते हैं, फायदा किया। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री बने, मिल गया आपको रोजगार? मिल गया? हमने पार्लियामेंट हाउस में पूछा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, कितने लोगों को पिछले 2 साल में रोजगार मिला? पता लगा पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। कहां 2 करोड़ की बात और कहां 1 लाख की सच्चाई। और इस साल एनडीए की सरकार के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, इस साल हिंदुस्तान में एक भी रोजगार की बढ़त नहीं। यह नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। जहां भी जाते हैं, बड़े बड़े भाषण, मार्केटिंग, वाइब्रेंट गुजरात, मगर सच्चाई यह है कि गुजरात के लोगों को फायदा नहीं हुआ। और गुजरात के लोगों के दिल में गुस्सा है।
गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था, और शायद इस भीड़ में भी ऐसे दो तीन लोग होंगे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया। मगर सच्चाई यह है कि जो गुजरात के किसान में गुजरात के छोटे दुकानदारों में गुजरात में जो शक्ति हुआ करती थी उसका सिर्फ फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए उठाया है। गुजरात को वापस उन्होंने कुछ नहीं दिया। हम बड़े वायदे नहीं करते हैं, हमारी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं है, मगर हम काम करके दिखाते हैं। आठ नवंबर को अब आप देखिए कैसे निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी ने। आठ नवंबर को नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, टीवी पर आते हैं, कहते हैं एक नया आइडिया आया है, आपके जेब में जो 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट है मेरा मूड है, मैंने उसको रद्द कर दिया। देखो मुझ में कितनी शक्ति है, देखो मुझ में कितनी शक्ति है। मेरे 5 शब्दों से हिंदुस्तान के हर घर में मैं कितना कष्ट पहुंचा सकता हूं। हिंदुस्तान के नागरिकों मेरी शक्ति को समझो, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, जो भी मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। मेरा जी करा पूरे हिंदुस्तान को मैं लाइन में खड़ा कर दूंगा। तुम लोग कौन होते हो, तुम्हारा काम सिर्फ मेरी मन की बात सुनने का है। तुम लोग मेरी मन की बात सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा मेक इन इंडिया के बारे में, शाइनिंग इंडिया के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में। तुम लोगों का काम सिर्फ मेरी बात सुनना। कांग्रेस पार्टी का काम मन की बात करने का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का काम जैसे गांधी जी ने सरदार पटेल जी को आनंद भेजा, किसानों की बात सुनी और फिर गुजरात में सफेद क्रांति का काम किया, कांग्रेस पार्टी का काम चुनाव आ रहा है,
मैंने गहलोत जी को और एआईसीसी से इनके साथ एक टीम भेजी है, स्टेट से कांग्रेस पार्टी के साथ नेता बैठे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको लोगों के लिए कहना चाहता हूं। सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो फिर ये शक्ति सरकार नहीं होगी, वो सबकी सरकार होगी। वो सरकार आपको अपनी मन की बात नहीं कहेगी, वो सरकार आपके घर में आएगी, किसानों के पास जाएगी, आदिवासियों के पास जाएगी, दलितों के पास जाएगी, छोटे दुकानदारों के पास जाएगी और आपकी मन की बात को नजदीक होगी करेगी। और वो सरकार गुजरात को बनाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरे दम से लड़ेगी और मैं एक आपको कहता हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को हरा कर देगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक तस्वीर जरूर बाकी है राहुल जी के साथ में, आप सारे वाले बच्चे तरफ से बजाओ तो टेडियापाड़ा में आदिवासी यात्रा समापन समारोह में राहुल गांधी पहुंचा अने जे रीते सभा ने संबोधन करी रहा हता अने राहुल गांधी नु पण स्वागत करवामां आव्युं हतुं अने तेमणे संबोधन दरमियान आडकतरी रीते मोदी पर प्रहार पण कर्या। तेमणे जणाव्युं के खेडूतोना अवाज ने दबावी देवामां आवे छे अने मोदीए शुं करीने आप्युं छे तेवुं पण तेमणे संबोधनमां जणाव्युं छे। राहुल गांधी जे रीते डेडियापाड़ामां आदिवासी यात्रा समापन समारोहमां हाजरी आपवा माटे डेडियापाड़ा पहोंच्या, त्यां सभानुं आयोजन करवामां आव्युं अने सभाने संबोधन पण करी अने सभामां संबोधन करती वखते आडकतरी रीते मोदी पर निशान पण साध्युं। जे रीते